الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيأتي بعدي 30 دجالون كذابون كلهم يدعو أنهم نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیز دینی ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر دنیا میں تشریف لائے اور یہی وہ مہینہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے جہاں آپ کا آنا تمام عالم کے لیے انسان اور جنات کے لیے یہاں تک کہ جانوروں کے لیے آپ کا آنا رحمت تھا وہیں پر آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا اور اس دنیا سے تشریف لے جانا انسانیت کے لیے بلکہ تمام عالم کے لیے ایک بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ صرف ایک نبی ہی نہیں، ایک رسول ہی نہیں، بلکہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تمام کائنات ایک طرف،
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत दूसरी तरफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और आपका बचपन हलीमा सादिया के घर में गुजरा। कबीले बनू साद, उस कबीले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे थे, रोज़ाना अपने रज़ाई बहन रज़ाई भाई के साथ बकरियां चराने के लिए जाते। एक दिन वो इसी तरह बकरियां चराने के लिए गए हुए थे कि अचानक दो फरिश्ते सफ़ेद लिबास में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जैसे ही आपके रज़ाई बहन और भाई ने उनको देखा तो वो भाग गए। वो दो फरिश्तों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और एक पत्थर पर लिटाया और आपके सीने को चाक किया, आपके सीने को खोला और आपके दिल को निकाल कर उसको धोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पाकीज़ा दिल किसका हो सकता है, लेकिन मज़ीद पाकीज़गी पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चार मर्तबा धुलाया गया। एक मर्तबा यही बचपन में, दूसरी बार जवानी से पहले, तीसरी बार नबुवत से पहले और चौथी बार मेराज से पहले। चार मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धोया गया। खुद हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने 10 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, वो फरमाते थे कि मैंने अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को देखा कि आपका सीना सिला हुआ था। उन फरिश्तों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को धोया और उसको सीने के अंदर फिर रख दिया और फिर उसको सिल दिया। उसके बाद एक तराजू कायम किया गया जिसके एक पलड़े में एक सेहतमंद आदमी को, नौजवान आदमी को रखा गया और दूसरे पलड़े में जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे थे उनको रखा गया। अल्लाह की शान कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला पलड़ा था वो झुक गया और जो दूसरा पलड़ा था वो उठ गया। फिर उन फरिश्तों ने दो आदमियों को दूसरे पलड़े में रखा और एक पलड़े में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, तो फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा झुका हुआ था। फिर तीन को रखा तो फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा झुका हुआ था। तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि अब बस कर दीजिए कि अगर तमाम कायनात को भी एक पलड़े में रख दिया जाए तो इस फर्द का, इस शख्स का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, आपका मर्तबा इस कायनात के अंदर अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा और मकाम है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी रिसालत की गवाही हर चीज़ ने दी है। मा मिन शैइन बैन अस्समाई वल अर्दी इल्ला यालमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला उफातल जिन्न वल इंस, सिवाय सरकश इंसान और सरकश जिन के अलावा मेरी रिसालत की गवाही हर चीज़ दुनिया ज़मीन व आसमान के दरमियान जो कोई है मेरी रिसालत की गवाही देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर दरख्त
ज़मीन को चीरता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पहाड़ पर जाते हैं, वो पहाड़ हलना शुरू हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तो वो खामोश हो जाता है। उलमा लिखते हैं कि वो इसलिए हलता है कि उसको खुशी होती है कि मेरे ऊपर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मेरे ऊपर आ चुकी है, और वो पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमने लगता है। और यहाँ तक के जानवरों ने तक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहात में गए, तो वहाँ पर एक खैमे के पास एक हरनी बंधी हुई थी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी तो कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस देहाती ने मुझे शिकार करके लाया है, मेरे दो बच्चे हैं जो जंगल के अंदर भूख से बिलख रहे होंगे, ये मुझे ज़बह भी नहीं करता ताकि मैं राहत पा जाऊँ, और या तो ये मुझे आज़ाद भी नहीं करता ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊँ। माँ की ममता ममता होती है, माँ की मोहब्बत मोहब्बत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वादा करो कि वापस आओगी दूध पिलाकर। तो उसने वादा किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद किया, वो गई और दूध पिलाकर आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उसको बांध रहे थे कि वो देहाती की आँख खुल गई और उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ खिदमत कर सकता हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ खिदमत करना हो तो इस हिरनी को आज़ाद कर दो। तो उसने कहा, बखुशी मैं इस हिरनी को आज़ाद करता हूँ। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खोला और वो जा रही थी, तो जाते जाते ये गवाही दे रही थी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, के गवाही है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो अल्लाह के रिसालत की गवाही ज़मीन व आसमान के अंदर जो कोई है उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे फ़दीलत दी गई तमाम अंबिया पर छः तरीक़ों से, कि फुद्दिलत अलल अंबिया फुद्दिलत अलल अंबिया बिसित्तिन, के छः चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से तमाम अंबिया पर मुझे फ़दीलत दी गई, कि ऊती तो जवामियल कलिम, के मुझे जामे कलिमात दिए गए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बोल में इल्म का ऐसा समंदर था कि अगर उसको खोला जाए तो किताबें की किताबें कम पड़ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूली से दो बोल होते थे, लेकिन ज़िंदगी के अक्सर और बेशतर मसाइल उसके अंदर पाए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम ऐसा कलाम था, आपके जुमले ऐसे जुमले थे कि बड़े से बड़ा इल्म वाला, बड़े से बड़ा समझदार और इल्म का दावा करने वाला आपके सामने घुटने टेक देता था। फ़िक़्हे हनफ़िया के तीसरे इमाम हैं इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, इनके किताब है सीर कबीर, जिसको अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड से एडिट करके शाये किया। उसके अंदर उन्होंने मसाइल को लिखा, हुकूमत की मसाइल को और सुलह और जंग के मसाइल को। एक अंग्रेज़ ने इस किताब को पढ़ा
और उसने ईमान को कबूल कर लिया। दूसरे ने कहा कि आप ईमान को कैसे कबूल कर चुके हो, आपने तो इस्लाम की कोई किताब नहीं पढ़ी है। तो कहा कि मैंने जो किताब पढ़ी है मोहम्मद बिन हसन शैबानी की, तो जब मैंने ये किताब पढ़ी है तो मेरे दिल ने गवाही दिया कि जब छोटे मोहम्मद के इल्म की हालत ये है, छोटे मोहम्मद के इल्म का मामला ये है, तो बड़े मोहम्मद का इल्म क्या था होगा। मैंने इस वजह से इस्लाम को कबूल कर लिया। तो आपको बेहतरीन कलिमात से नवाजा गया और फिर फरमाया कि उहिल्लत लियल गनाइम, के मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया। इससे पहले किसी उम्मत के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था। और फिर फरमाया नुफिरतु बिर्रुबी मसीरत शहर, के मेरा रुअब, मेरा दबदबा, मेरा जिसको कहेंगे डर, एक महीने की मसाफत तक पहुंचता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले थे। आपका लिबास सादा लिबास हुआ करता था, आपकी ग़िज़ा सादी ग़िज़ा हुआ करती थी। आप किसी दिन पेट भरकर खाते और किसी दिन भूखे रहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह मस्जिद में तशरीफ़ लाते और चाश्त के वक्त में घर तशरीफ़ लेकर जाते और कहते कि घर में कुछ खाने के लिए है, तो कहा जाता कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते कि ठीक है, मैं भी आज रोज़ी की नियत करता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद एक मरतबा रोज़ा थी, तो इफ्तार के वक्त में वह दफ्तर पर बैठी तो कई किस्म की चीज़ें दफ्तर पर आ गई। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आँखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। उनकी खादिमा ने कहा अम्मी जान मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई है, अब आप इफ्तार कर लीजिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ, मैं इस वजह से रो रही हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त में थे उस वक्त भी दफ्तर बिछाया जाता था, लेकिन दफ्तर पर कोई खाने की चीज़ नहीं हुआ करती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ी का ये मामला है। आपके लिबास सादा लिबास है, लेकिन आपका रुअब, आपका डर, एक महीने की मसाफत पर अगर कोई शख्स रहता है वहाँ तक पहुँचता था। आपके सामने कोई अगर आता तो कोई कलाम नहीं कर सकता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे बड़े बड़े सहाबा थे, इनका एक मकाम था अपने ख़ानदान के अंदर और अपने कबीले के अंदर, लेकिन जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते तो बात कर नहीं पाते। एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही सामने आ गया तो वो कुछ कह नहीं सका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये डर रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे आजिज़ी के साथ उसको बात की और कहा कि डरो नहीं, मैं उस माँ का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पानी में डालकर खाती है, मैं उस माँ का बेटा हूँ, डरो नहीं। तो नुफिरतु बिर्रुबी मसीरत शहर, कि मेरा रुअब एक महीने की मसाफत तक जाता है। और फिर चौथी खसूसियत जो है, जुअल्तु लियल अर्ध मस्जिद व तहूरा, के तमाम ज़मीन को मेरे लिए पाक और सजदे की जगह बना दी गई। और फिर पांचवी चीज़ फरमाई उर्सिल्तु इलल खल्क़ कुल्लिहिम, के मैं
الى الخلق کافہ، کہ میں تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس سے پہلے کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جو عالمگیر ہو، جو تمام عالم کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے، عرب و عجم کے لیے، کالے اور گورے لوگوں کے لیے، حاکم اور محکوموں کے لیے، عالموں اور جاہلوں کے لیے، تمام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور پھر چھٹی خصوصیت اس میں وہی ہے، ختمہ بھی ہم نبی جون، کہ مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، آپ اس کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، آپ کسی کی رسالت نہیں چلے گی، کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ رسالت آخری رسالت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی رسالت نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی امت نہیں۔ اس امت پر اللہ جہاں کے دسترخوان کو لپیٹ دے گا، اس رسالت پر، اس نبوت پر اللہ جہاں کے دسترخوان کو لپیٹ دے گا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی نرینہ اولاد کے بعد تو نہیں، لیکن یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت کا آخری سہرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت گویا کہ ایک عمارت ہے، اور پوری عمارت بن چکی ہے، بس ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ چکی تھی، جو جس کو مجھ سے پر کر دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیأتی بعدی ثلاثون دجالون کذابون، کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے اور کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سنو میں آخری رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ ابن کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور اس کو ماننے لگے، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ نبوت ہم دونوں مل کر سنبھالیں گے، آپ بھی نبی بن کر رہیے، میں بھی نبی بن کر رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کو پڑھا تو قریب میں ایک ٹہنی، کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم مسلمہ ابن کذاب، اگر نبوت کے نام پر یہ چھڑی بھی مانگتا ہے تو میں اس کو وہ بھی نہیں دوں گا، میری رسالت قیامت تک چلے گی، آپ کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، قیامت تک یہ لوگ آتے رہیں گے اور جھوٹے دعوے کرتے رہیں گے۔ آپ کو تو حیرت ہوگی کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو کہا گیا کہ آپ کہاں سے تبق پڑی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی مذکر نبی نہیں آ سکتا، مؤنث ہو عورت ہو تو چل جائے گا، لہٰذا میں اس دائرے سے دور ہوں اور اس لیے میں نبیہ ہوں۔ عجیب عجیب قسم کے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کو بڑا بادشاہ تھا ہارون الرشید، تو اس کو کہا گیا کہ دیکھو یہ سراسر ضلالت ہے، کفر ہے، آپ اپنی حماقت سے باز آ جائیے، تو وہ باز نہیں آیا، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ چند روز گزرے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا کہ میں اللہ ہوں، تو اس کو کہا گیا کہ دیکھو
चंद रोज पहले जो है तो एक शख्स नबी का दावा कर रहा था, उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, आप बाज आ जाइए। तो उसने कहा कि अच्छा, उसको सूली दे दी गई तो बहुत अच्छा किया आपने सूली दे दिया, इसलिए कि मैंने उसको भेजा ही नहीं है, उसको भेजा था ही नहीं, वो खुद अपने आप चले आया है, इसलिए आपने सूली दी है तो बहुत अच्छा किया है। तो अजीब वो गरीब गरीब किस्म के लोग जो होते हैं, जिसको ना लिबास पहनने का तरीका याद होता है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जिसने 52 दावे किए कि मैं दिल्ली नबी हूँ, बुरूज़ी नबी हूँ, और कभी ये कहा कि मेरे अंदर सारे नबियों ने फराहत कर, सारे नबी मेरे अंदर फराहत कर गए हैं, और यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं अल्लाह की बेटी हूँ, और हालांकि इतना खब्तुल हवास था कि उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आता था, तो सदरी के एक जेब में वो तहारत के ढेले रखता था और दूसरे जेब में वो, उसको मीठा खाने का बहुत शौकीन था तो वो गुड़ रखता था, तो कभी कभी पता नहीं क्या होता था तो वो गुड़ से तहारत ले लेता था, और जो तहारत की मिट्टी होती उसको गुड़ समझकर खा लिया करता था। इतना खब्तुल हवास वो शख्स था, लेकिन उसको मानने वाले भी बहुत सारे आए। एक आलिम दीन थे, उनको कुछ कपड़ा सिलाना था, वो शहर में गए अपने शागिर्द के पास, दर्जी के पास, और कहा कि मुझे ये कपड़ा सिलाना है। तो उस शागिर्द ने कहा कि हज़रत आधा घंटा लगेगा, करीब में पागल खाना है, वहाँ पर थोड़ा सैर व तफरी कर कर आ जाइए। तो वो आलिम दीन वहाँ पर गए, तो पागलों की दुनिया तो अपनी दुनिया होती है, वो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। एक मरतबा पंडित जवाहरलाल नेहरू पागल खाने में चले गए, तो एक बहुत ख़तरनाक पागल को वहाँ कैद किया हुआ था, कढ़ेरे में रखा हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजाक सूझी, तो वो जो है पागल, उस पागल के पीछे गए और अदर से उंगली चुबा ली, तो वो पागल दूसरी तरफ चला गया। तो दूसरी तरफ फिर ये पहुँचे और फिर उंगली चुबा ली, फिर वो तीसरी तरफ चला गया। तो जब तीसरी तरफ भी ये गए तो उस वो पलटा और उनकी तरफ देखा और बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि कहा कि लोग भी बड़े अजीब होते हैं, किसी को पकड़ते हैं, किसी को छोड़ देते हैं। तो वो आलिमुद्दीन वहाँ पर गए पागल खाने में, तो पागल अपने आप में मसरूफ थे, तो उतने में देखा कि एक जुब्बा पहन कर कुछ कागजात उसके हाथ में थे, वो लेकर आ रहा था। तो वो समझे कि जिस तरह मैं यहाँ पर तफरी के लिए आया हूँ, शायद ये भी आया होगा। तो वो करीब आया तो उसको कहा कि इसमें शरीफ, यानी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपके हाथ में क्या है? तो कहा कि ये वही लेकर आया हूँ, बस यही कहा था कि ऊपर से करीब के दरख्त से आवाज़ आई, इसकी बात मत मानो, इसलिए कि मैंने इसको नहीं भेजा है। तो वहाँ पर देखा तो वहाँ भी एक पागल बैठा हुआ है। तो नबुव्वत के दावे ऐसे लोगों ने यहाँ पर किया है, इस मुल्क के अंदर भी। शकील बिन हनीफ जो कहता है कि मैं ईसा भी हूँ और मैं महदी भी हूँ, हालांकि ईसा अलग है, महदी अलग है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, किसी की रिसालत नहीं चलेगी। इस बात का हर मुसलमान को ख्याल रखना चाहिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए। आपके ज़िंदगी के बाद किसी की रहनुमाई की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क़यामत तक के जो इंसान आएंगे उनकी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।